जयपुर के JECC में 26 से 28 सितंबर तक स्मार्ट सिटी एक्सेल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन होगा। मुख्य सचिव DB गुप्ता ने सचिवालय में इस संबंध में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक ली और दी गई जिम्मेदारियों की प्रगति की समीक्षा की। इसके लिए सब कमेटी का भी गठन किया गया है। विभागों में आपसी समन्वय के जरिए ये सब कमेटी कामों की प्रगति सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही ट्रैक लीडर्स भी बनाए गए हैं जो कामों की चरणबद्ध प्रगति को लेकर ट्रैकिंग करेंगे और CS DB गुप्ता को रिपोर्ट देंगे। क्या होगा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में? इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 6000 डेलीगेट होंगे शामिल। वैश्विक कंपनियां, विशेषज्ञ, विचारक, शोधकर्ता भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। स्मार्ट सिटीज में हो रहे नवाचारों को इस कॉन्फ्रेंस में दर्शाया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस का डेमो होगा। अर्बन प्लानिंग, क्लीन टेक, स्मार्ट डेस्टिनेशंस पर भी फोकस किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वक्ता करेंगे स्मार्ट सिटी पर विचार व्यक्त। 10 से 15 सितंबर के बीच एक बार फिर से मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक होगी। इस बैठक में कार्यक्रम में आने वाले विदेशी अतिथियों और कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेगा, इसे लेकर भी भूमिका बनेगी। स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया जयपुर 2018 शहरी चुनौतियों से निपटने और काम के अवसर पैदा करने की चर्चा के लिए एक असाधारण मंच के साथ ही एक व्यापार मंच भी होगा। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं इस वर्ल्ड सिटी एक्सपो के लिए JDA ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें अब तक 7,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और क्या होगा एक्सपो के अंदर खास, ये खास रिपोर्ट भी देखिए। राजधानी में सितंबर के महीने में वर्ल्ड स्मार्ट सिटी एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। इस इवेंट की मेजबानी में सरकार के साथ ही JDA के कमिश्नर वैभव गालारिया का काफी अहम योगदान रहा है। 26 से 28 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में 2 दर्जन से ज्यादा देशों के सैकड़ों से ज्यादा डेलीगेट शामिल होंगे। आयोजन के लिए JDA ने भारत सरकार की ओर से चयनित सभी स्मार्ट सिटीज को भी आमंत्रित किया है। आयोजन में शामिल होने के लिए 7,500 से ज्यादा विजिटर्स भी अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। फिरा बार्सिलोना की तरफ से आयोजित हो रहे इस आयोजन के लिए फिरा बार्सिलोना ने क्वांटेला को अधिकृत किया है। आयोजन को लेकर JDA और क्वांटेला के बीच MOU भी हो चुका है। इस MOU के तहत आयोजन की सभी तरह की जिम्मेदारी क्वांटेला के पास रहेगी। JDA और सरकार से उसे पूरा सहयोग मिलेगा। सीतापुरा के JECC में होने वाले इस आयोजन में सैकड़ों डेलीगेट्स स्मार्ट सिटी से जुड़े विभिन्न मसलों पर वार्ता करेंगे। ये कार्यक्रम नॉलेज एक्सचेंज के लिहाज से काफी खास रहेगा। इस आयोजन में 3 दिनों में कई सेशंस होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से इनोवेशन टेक्नोलॉजी, अर्बन प्लानिंग, सोशल डेवलपमेंट, स्मार्ट डेस्टिनेशन, क्लीन टेक्नोलॉजी शामिल है। इसके साथ ही एक्सपो में कई तरह के अवार्ड्स का भी ऐलान किया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से वर्ल्ड स्मार्ट सिटी अवार्ड, सिटी अवार्ड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड, अर्बन एनवायरमेंट अवार्ड, मोबिलिटी अवार्ड, गवर्नेंस एंड फाइनेंस अवार्ड, एक्सक्लूसिव एंड शेयरिंग सिटीज अवार्ड और इनोवेशन आइडियाज अवार्ड शामिल है। एक्सपो में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय UDH मंत्री हरदीप पुरी और JDA के कमिश्नर वैभव गालरिया भी बतौर स्पीकर शामिल होंगे।